मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में बसने के लिए नामीबिया से भारत आ रहे चीते राजस्थान के जंगलों की शान बनने वाले थे। राजस्थान सरकार की बेरुखी के चलते चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क भेजा जा रहा है। राजस्थान सरकार इस मामले में रुचि दिखाती तो ये चीते प्रदेश के जंगलों की शोभा बढ़ाते। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो राजस्थान सरकार के वन विभाग की अरुचि के कारण यह प्रोजेक्ट प्रदेश के हाथ से निकलकर मध्य प्रदेश को मिल गया। दो साल पहले नामीबिया के चीता फाउंडेशन के संस्थापक लोरी मार्कर चीता प्रोजेक्ट को लेकर अपनी टीम के साथ जयपुर आई थी। उन्होंने इसके लिए वन्य जीव विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक भी की। मार्कर ने जैसलमेर के शाहगढ़, बल्ज और कोटा के मुकुंदरा के जंगल भी देखे। पहले चीतों को जैसलमेर और कोटा में बसाए जाने की योजना बनाई गई थी। मार्कर को मुकुंदरा के जंगल पसंद भी आ गए थे। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस प्रोजेक्ट पर काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वन मंत्री हेमाराम चौधरी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार रात हुई बैठक में राज्य वन्य जीव मंडलों के सदस्यों ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में चीतों को बसाने की मांग उठाई थी। ऐसी मांग पहले भी कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसका फायदा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया, लिहाजा राजस्थान आने वाले चीते मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। नामीबिया से चीतों को लाने के लिए भारत ने एक विशेष बोइंग विमान 747-400 नामीबिया भेजा है। विमान पर साइबेरियन टाइगर की फोटो बनाई गई है। इसे स्पेशल फ्लाइट नंबर 118 दिया गया है। इस विमान के जरिए चीतों को 17 सितंबर की सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाया जाएगा। ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए उसी दिन इन्हें कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को देश को सौंपेंगे। कुनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी इन चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।